यकीन चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कट घरों से सबूतों से सच ही खिले, सच की लेकिन गवाही जो धरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है, इसलिए चाहे मरूंगा सच को ही सजदा करूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। ठीक है डॉक्टर, अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, एक बार मुझे घर पहुंच जाने दो। डॉक्टर मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। हाँ डॉक्टर, बस एक बार। डॉक्टर ये क्या, मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं? डॉक्टर ये क्या है? प्लीज डॉक्टर प्लीज, आप बोल क्यों नहीं रहे? डॉक्टर ये मेरे ग्लूकोज में इंजेक्शन क्यों लगा रहे? डॉक्टर प्लीज प्लीज मुझे बताओ, डॉक्टर प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ? देखो जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझसे भूल हो गई डॉक्टर, मुझे छोड़ दो प्लीज। चारों तरफ खलबली मचा दी है। पिछले तीन दिनों में इसी तरह की दूसरी घटना है। दो दिन पहले रियल एस्टेट एजेंट जतिन गोयल की इसी तरह से हत्या हुई थी, जैसे कि आज सोशल वर्कर मनोहर आचार्य की हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये काम किसी साइको सीरियल किलर का है, जो लोगों को जहर के इंजेक्शन देकर मार रहा है। लोग इस अनजान हत्यारे को डॉक्टर डेथ का नाम दे रहे हैं। सबसे पहले किसने देखा था? मैं बाबूराव, बोले तो इधर का वार्ड बॉय। कोई खास बात? ये जूते के निशान। लेकिन बाबूराव ये जूते के निशान तो किसी के भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं सर, वारदात के बाद आपके और बाबूराव के अलावा यहाँ कोई आया ही नहीं था, और फिर ये निशान ठीक वैसे ही है जैसे पिछले मर्डर के वक्त भी था। सर बाहर कुछ मिला है, चलिए सर वही जूते के निशान यहाँ पर भी है। एक काम करो,
फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, इसका डाई बनवाओ। तो उतर रहा हूँ, जरा रुमाल देना। साइको किलर, व्हाट रबिश। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हो सकता है ये काम साइको किलर का ना होकर किसी कोल्ड ब्लड मर्डरर का हो। ऐसा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ या फिर आप भी हो सकते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? आपके रिलेशन कैसे थे आचार्य से? मिस्टर आचार्य भी मिस्टर जतिन गोयल की तरह मेरे नहीं, डॉक्टर रमेश कृष्णन के पेशेंट थे। तो क्या बचपन से लंगड़ा है? नहीं नहीं साहब, मैं लंगड़ा नहीं हूँ। पिछले हफ्ते क्या हुआ ना साहब, मेरा एक्सीडेंट हो गया रात को, एक गाड़ी ने मेरे को पीछे से ठोक दिया। तो अभी डॉक्टर कृष्णन ने कहा है तो 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा। वैसे तो ना पूछूं उतना बोल। आचार्य का बर्ताव कैसा था तुम लोगों के साथ? बहुत अच्छा साहब, बहुत अच्छा। फिर भी तूने उन्हें मार डाला? अरे ये आप क्या कह रहे हैं साहब, आचार्य से कोई लड़ाई हुई थी तेरी? नहीं नहीं, मेरा तो नहीं हुआ था। पर क्या, डॉक्टर कृष्णन से उनकी कुछ कहा सुनी हो गई थी 2 दिन पहले। वैसे तो मैं उनके बाजू वाले रूम में ही हूँ, मगर सिवाय डॉक्टर कृष्णन के मैंने वहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा इंस्पेक्टर साहब। ये भी तो हो सकता है कि तू वहाँ गया था। बैठ। क्यों एक लंगड़े की मजाक उड़ा रहे हैं? एक टांग पे चल के कहाँ कहाँ जाऊंगा मैं इंस्पेक्टर साहब। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ तो तेरा उनसे? आचार्य साहब मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर थे। एक वो ही शख्स था जिसने ये टांग कटने के बाद मेरी सबसे ज्यादा मदद की थी, यकीन जानिए। किसी पर शक है तुम्हें? कैसे किसी का नाम? वो भी तो मेरे लिए भगवान जैसा ही है। कौन? डॉक्टर कृष्णन? जी हाँ, मैं सालों से उन्हें जानता था, दोस्त है वो मेरे। अब दोस्तों में तो कहा सुनी हो ही जाती है, पर कहा सुनी बढ़ जाए तो बात खून तक आ जाती है। अब मैं आपसे क्या कहूं? लड़ाई किस बात पर हुई थी? मैंने कहा ना, मामूली सी बात पर हम दोनों में कहा सुनी हो गई थी। शायद वो ठीक से दवाई नहीं ले रहे थे। वो दवाई नहीं ले रहे थे तो आपने उन्हें जहर दे दिया, राइट? क्या मैं अपने वकील से बात कर सकता हूँ? योर ऑनर, पुलिस ने इतने काबिल सर्जन को 2-2 हत्याओं के आरोप में यूं ही गिरफ्तार नहीं किया है। इसके पीछे ठोस गवाह और सबूत मौजूद हैं। मिस्टर गेरोला, क्या आप अदालत को बताएंगे कि वो ठोस सबूत और गवाह कौन से हैं? बिल्कुल, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सबका ये कहना था कि मिस्टर मनोहर आचार्य की मौत से पहले डॉक्टर कृष्णन और सोशल वर्कर मनोहर आचार्य के बीच में कुछ कहा सुनी हुई थी और बस इसी बेसिस पर मेरे क्लाइंट को गिरफ्तार कर लिया। योर ऑनर, सिर्फ इस बात को लेकर डॉक्टर कृष्णन जैसे काबिल सर्जन को गिरफ्तार करना महज पुलिस की जल्दबाजी थी। अरे जल्दबाजी तो आप कर रही हैं मिस उज्वला, मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। योर ऑनर, सब लोगों के बयान के बाद पुलिस ने डॉक्टर कृष्णन पर नजर रखना शुरू कर दिया और उनके घर के आसपास वही जूते मिले जिनका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। सर, ये वही जूते हैं, कचरे के डिब्बे में से मिला है। और कचरे का डिब्बा कृष्णन के घर के बाहर है। हेलो इंस्पेक्टर सिद्धार्थ, आप यहाँ कैसे? आपके? अरे ये तो आपके ही है।
हाँ वो चार दिन पहले शनि मंदिर के पास से चोरी हो गए। किसी को बताया आपने? मैं इन छोटी मोटी चीजों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करता। कहाँ से आ रहे हो आप? हॉस्पिटल से लौट रहा हूँ। मैं आपका बैग देख सकता हूँ? आप देखिए इस तरह। थैंक्स। सर पॉइजन। योर ऑनर, ये वही जहर की शीशी है जिसका इस्तेमाल कत्ल में हुआ था। ये डॉक्टर कृष्णन की बैग में कैसे आए इसका जवाब नहीं है उनके पास। योर ऑनर, कोई भी कातिल वारदात के इतने घंटे बाद भी अपने साथ सबूत लेकर नहीं घूमेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की गई। सबूत मिलने पर हर गुनहगार यही कहता है कि वो सबूत उसे फंसाने के लिए प्लांट किया गया है। क्या डॉक्टर कृष्णन अदालत को ये बता सकेंगे कि हॉस्पिटल में ऐसा कौन सा शख्स है जो उन्हें फंसाना चाहता है? योर ऑनर, जिस तरह पुलिस ने ये सिरिंज मौका वारदात से बरामद की उसमें नीडल लगी हुई थी। कोई भी डॉक्टर इसे इस्तेमाल करने के बाद नीडल निकालेगा ही। और वैसे भी जिस तरह सिरिंज बरामद की गई ग्लूकोज बॉटल में वो बहुत अजीब तरीके से घुसी थी। कम से कम डॉक्टर कृष्णन जैसे काबिल सर्जन तो ऐसा नहीं कर सकते। हो सकता है कि डॉक्टर कृष्णन ने ऐसा जानबूझकर किया ताकि आप जैसी वकील उन्हें बेगुनाह समझे और उनका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और वैसे भी मिस उज्ज्वला, आप जो कुछ भी कह रही हैं ना, बिल्कुल अंदाजे से कह रही हैं। और अदालत में अंदाजे से नहीं, सबूतों के आधार पर लड़ाई लड़ी जाती है। योर ऑनर, मौका इबादत पर जो बॉटल मिली उसमें जितना जहर निकाला गया था ठीक उतना ही मनोहर आचार्य की डेड बॉडी में पाया गया। यानी कि मौका वारदात पर मिली बॉटल के जहर से हत्या हुई, ना कि उस शीशी से जो कि डॉक्टर कृष्णन के बैग से मिली। मैं मानता हूं कि पिछले 2-3 केसेस आप जीत चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सुरूर में आकर आप कुछ भी कहें। मिस्टर गैरोला, मैं केस नहीं जीती, सच जीता था। इस केस की बात पर आते हैं योर ऑनर। मिस उज्ज्वला, शायद आप ये भूल रही हैं कि हॉस्पिटल में पिछले 3 दिनों में 2 मौतें हुई, मिस्टर जतिन गोयल और मिस्टर मनोहर आचार्य। हो सकता है कि मिस्टर जतिन गोयल की मौत किसी दूसरी बोतल के जहर की वजह से हुई हो, लेकिन एक डॉक्टर की बैग में दवाई की जगह जहर का मिलना चिंता की बात नहीं है। और डॉक्टर कृष्णन के पास इसका कोई जवाब नहीं। जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं कि उनके बैग में ये सब पहुंचा कैसे। ये सब मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए किया गया है। आपके पास कुछ नया कहने के लिए नहीं है, इसलिए आप वही रट लगाए हुई है कि मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए ये सब किया गया है। अगर डॉक्टर कृष्णन बेगुनाह हैं तो वहां मौका वारदात पर उनके जूते के निशान कैसे पाए गए? मेरे क्लाइंट पहले ही कह चुके हैं कि शनि मंदिर के सामने से उनके जूते चोरी हो गए थे। कोई सबूत है मिस उज्ज्वला? पुलिस की कंप्लेंट है? अगर आपके जूते चोरी होंगे मिस्टर गैरोला, क्या आप जाएंगे पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए? इसमें इतना पर्सनल होने की जरूरत नहीं है मिस उज्ज्वला। कानून सबूतों के आधार पर कार्रवाई करता है और आपके क्लाइंट के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि उनके जूते चोरी हो गए। डॉक्टर कृष्णन, उस दिन आपने सबके सामने मिस्टर मनोहर आचार्य को जान से मारने की धमकी दी थी। क्या आप अदालत को बता सकते हैं कि किस बात पर आप दोनों की लड़ाई हुई थी? शायद उन्होंने दवाई नहीं ली थी। कमाल है, पेशेंट दवाई नहीं लेता तो डॉक्टर उसे धमकी देता है। योर ऑनर, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। डॉक्टर कृष्णन ने अपने सोशल वर्कर फ्रेंड मिस्टर मनोहर आचार्य को जान से मारने की धमकी दी थी और उसके कुछ ही घंटों के बाद उनकी हत्या हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे एक दिन पहले हॉस्पिटल में मिस्टर जतिन गोयल की हत्या हुई थी। कमरे में बिल्कुल उसी तरह जूते के निशान पाए जाते थे जिस तरह
एक दिन पहले जतिन गोयल के कमरे में निशान पाए गए थे। बाद में वो जूते डॉक्टर कृष्णन के निकलते हैं। दोनों को वैसे ही जहर देकर मार दिया जाता है और उस जहर की शीशी डॉक्टर कृष्णन की बैग से मिलते हैं जो पुलिस की कस्टडी में है। मामला बिल्कुल साफ है और ऑनर, अब कोई भी सबूत और गवाह की जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ अदालत को यह डिसाइड करना है कि डॉक्टर कृष्णन को कैसी सजा दी जाए। द केस इज अर्जेंट फॉर टुडे, अगली पेशी इसी महीने की 15 तारीख को होगी। कह तो आप सही रही हैं मैम, और ये हमारा क्लाइंट भी तो वैसा ही है, आधी बातें हमें बताई ही नहीं। उसने बताया ही नहीं कि मनोहर आचार्य से उसकी किस बात पर लड़ाई है। मैं भी उससे बहुत बार पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो तो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है जब क्लाइंट अपने वकील को पूरी सच्चाई नहीं बताते हैं। हमारे पास सच जानने की मशीन भी तो है। अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने रास्ते का ना जो सबसे बड़ा कांटा है अभी वो निकल गया। जो चाहिए जब चाहिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। ईशा जी, मेरे पति इतने अच्छे हैं कि कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बिलीव मी। उन्होंने आज तक मुझसे कभी ऊंची आवाज़ तक में बात नहीं की। मिसेस कृष्णन, वो शायद इसलिए कि आज वो जो कुछ भी हैं आप ही की बदौलत है। जिस हॉस्पिटल में वो डीन है आप ही के फादर ने बनवाया हुआ है ना। हाँ कहिए जी। हम लोग कंप्यूटर इंजीनियर्स है, मेरा नाम है हरजीत सिंह हार्डवेयर, इनका सुरजीत सिंह सॉफ्टवेयर। मैं क्या कर सकता हूँ आप लोग? कुछ नहीं, हम लोग कंपनी की तरफ से आए हैं आपके लैपटॉप के फ्री चेकअप के लिए। या श्योर, थैंक यू। ये अधिकारी आदमी सही नहीं है। अरे इसे तो क्या कहते वो डॉक्टर होने की वजह है, उसको तो बिजनेसमैन होना चाहिए। भाई मनचाहा दहेज ना मिलने की वजह से इसने अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया और अब कोई पैसे वाली लड़की उसके चक्कर में। आपको कैसे पता चला? उसके लैपटॉप से तो मैंने सारा डाटा, वो क्या कहते ईमेल और वो मैरिज प्रपोजल, ये सारा अधिकारी लालची तो हो सकता था, मगर वो सोशल वर्कर आचार्य और एस्टेट एजेंट गोयल का फोन क्यों करेगा? उससे उसको क्या फायदा? हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत प्राइमरी स्टेज पर है, बट आई एम श्योर सच्चाई जल्दी बाहर आ जाएगी। और हाँ, वो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है बाबूराव, वो भी आदमी कोई सही नहीं है। हॉस्पिटल की दवाइयां चोरी करके बाहर ले जाके बेचता है। और मैंने सुना ऐसा करते हुए उसे डॉक्टर कृष्णन ने कई बार पकड़ा, लेकिन डॉक्टर की बीबी सुनीता ने उसे फिर से लगवा दिया काम पर।
ये सुनीता मुझे भी गड़बड़ औरत लगी। उसी की गवाही के कारण डॉक्टर कृष्णन आज अरेस्ट हुए। आप बस इसी तरह इंफॉर्मेशन इकट्ठे करते रहिए। हमारे पास काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है। फतेह जी, आप अधिकारी और बाबूराव पर नजर बनाए रखिए। मैं और ईशा विक्टिम और मनोहर आचार्य के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं। बाबूजी की किसी से दुश्मनी नहीं थी। मुझे तो बड़े आश्चर्य की बात लगती है कि डॉक्टर कृष्णन ने बाबूजी और आचार्य अंकल की हत्या कर दी। ललित जी, क्या ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे? जी हाँ, आचार्य अंकल एक सोशल वर्कर थे। अक्सर दूसरों की मदद के सिलसिले में वो बाबूजी से मिलते रहते थे। लेकिन ये लोग डॉक्टर कृष्णन को कैसे जानते थे? आचार्य साहब ने कई गरीब पेशेंट का ट्रीटमेंट डॉक्टर कृष्णन के हॉस्पिटल से करवाया था और बाबूजी ने डॉक्टर कृष्णन के कई पेशेंट को इंश्योरेंस के पैसे दिलवाने में मदद की थी। लेकिन आपके फादर तो एस्टेट एजेंट थे ना? थे, मगर साथ में इंश्योरेंस एजेंट भी थे। लेकिन आपके बाबूजी डॉक्टर कृष्णन के हॉस्पिटल में क्यों एडमिट हुए थे? फूड पॉइजन। हम सब लोग डॉक्टर कृष्णन की एक पार्टी अटेंड करने गए थे, वहीं उन्हें फूड पॉइजन हो गया था। मगर आपको फूड पॉइजनिंग नहीं हुआ? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। 100 आदमी थे उस पार्टी में, सिवाय 3 के किसी को नहीं हुआ फूड पॉइजन। कौन 3 लोग? बाबूजी, आचार्य अंकल और अपाहिज पल्लू पांडे। मुझे तो शक है कि ये फूड पॉइजन हुआ नहीं, किया गया था। ऐसा कौन कर सकता है? डॉक्टर कृष्णन और कौन? यहाँ आने से एक बात तो सामने आ गई। क्या? यही कि ये सब लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं और फूड पॉइजनिंग भी जानबूझकर कराया गया। गोयल और आचार्य तो मर ही चुके हैं, अब सिर्फ बल्लू पांडे बचा है। कातिल का अगला शिकार बल्लू पांडे। मेरे पति फिल्मों में जो असली हीरो नहीं कर पाते हैं ना, वो सारी चीजें मेरे पति करते थे। लोग कहते थे कि वो मामूली स्टंटमैन है, लेकिन हमारी नजरों में तो वही सबसे बड़े हीरो थे। मगर एक दिन उनकी टांग पर मामूली सी चोट लगी। हमने बहुत कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर ये लापरवाही करते रहे। फिर जब घाव पड़ गया तो इन्हें सरकारी हॉस्पिटल ले गए, मगर वहाँ इलाज ठीक से नहीं हो पाया। फिर वहीं हमें आचार्य जी मिले। फिर आचार्य जी इन्हें डॉक्टर कृष्णन के हॉस्पिटल ले गए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इनकी टांग काटनी पड़ी। आचार्य जी ने गोयल साहब की मदद से हमें इंश्योरेंस का कुछ पैसा दिलवा दिया था, बस उसी से कुछ छोटा मोटा धंधा करके घर खर्च चल रहा है। अगर ये दोनों फरिश्ते नहीं होते तो हम तो अब तक बर्बाद हो चुके होते। ईशा, हमें फतेह जी से कहकर बल्लू पांडे की प्रोटेक्शन का इंतजाम करना। यस मैम। हेलो, जो हो रहा है उसे होने दो। इस केस में ज्यादा नाक घुसड़ने की जरूरत नहीं है। कौन बोल रहा है? कोर्ट नीति बहुत ज्यादा बोल रही थी तू। ये केस छोड़ दे, वरना मैं ये केस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। फिर तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी। क्या बदतमीजी है, कौन बोल रहा है? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, बेहोश हो गई थी, पाँव में मोच आ गई है, कल सुबह तो डिस्चार्ज कर देंगे। डॉक्टर, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? श्योर। थैंक यू। आप तो इतनी हिम्मत वाली। अरे बेटा, जब अपनों पर आती है ना तो सभी घबरा जाते हैं, पर वैसे भी ये घबराहट नहीं है, ये उज्ज्वला जी का तुम्हारे प्रति प्यार है, जिसे अंग्रेजी में कनेक्शन कहते हैं।
कंसर्न पते जी। मैंने तो सुना था कि अटैक आप पे हुआ है। अटैक तो मुझ पर ही था, लेकिन ईशा के सामने आ जाने से ये सब। मुझे तो ये सिंपल रोड एक्सीडेंट का कह सकता है, कहीं आपका वहम तो नहीं? नहीं, ये जानबूझकर कराया गया अटैक ही था। आप ही बताइए, मुंबई के मौसम में कोई भी ड्राइवर मंकी कैप पहन के क्यों ड्राइव करेगा? अपनी पहचान छुपाने के लिए? और वैसे भी फोन पर मुझे धमकाया गया था कि अगर मैं ये केस नहीं छोड़ती हूँ तो मुझे जान से मार दिया जाए। वो नंबर है आपके पास? हाँ। ये तो लैंडलाइन नंबर है, याद आओ देखो। मैं जान रहा हूँ ये नंबर कहाँ का है। कहाँ का है? वो पीसी होता है। फत्ते जी, नहीं ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि क्रिमिनल्स अक्सर ऐसे काम करने के लिए पीसीओ का ही इस्तेमाल करते हैं। सर। क्या हुआ सिद्धार्थ? ये लैंडलाइन नंबर पीसीओ का नहीं है। तो फिर कहाँ का? ये नंबर डॉक्टर रमेश कृष्णन के घर का। काफी वक्त लगा दिया मैडम आपने दरवाजा खोलने में। वो जरा मैं बाथरूम में थी। बाथरूम में थी? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। तलाशी? क्यों? सर्च वारंट है? यादव, मैडम को सर्च वारंट दिखाओ। एक्सक्यूज मी। लेकिन ये तलाशी ले क्यों रहे हैं आप? देखिए देखिए, ठीक है आपके पास सर्च वारंट है, इसका ये मतलब कतई नहीं कि आप इस तरह से मेरे घर में घुस जाएंगे। इस वक्त मैं अकेली हूँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैडम आपका लैंडलाइन कहाँ है? बेडरूम में होगा। ये मिला? अरे हाँ, ये तो हमारा ही फोन है। कहाँ मिला तुम्हें? सर ये वहीं से मिला है जहाँ हमें जूते मिले थे, कचरे के डिब्बे से। मतलब कॉल करने के बाद फोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया। मगर उज्ज्वला ने कहा था कि फोन करने वाला कोई आदमी है, फिर वो आदमी कहाँ गया? सर इनका लैंडलाइन तो नहीं मिला, लेकिन ये मिले हैं। डॉक्टर अधिकारी, आप यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप लोगों को हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। मगर क्यों? बस ऐसे। सर जी, सर जी, सर जी, समझ में नहीं आता हॉस्पिटल में कीप साइलेंस रखना पड़ता है। सर जी पुलिस ने ना डॉक्टर कृष्णन के यहाँ रेड मारी, और उधर लैंडलाइन के नंबर के साथ साथ डॉक्टर अधिकारी भी मिले। डॉक्टर अधिकारी वहाँ क्या कर रहा था? अरे सर जी, डॉक्टर अधिकारी और सुनीता कृष्णन के बीच पुलिस ना डॉक्टर अधिकारी के साथ साथ सुनीता को भी ले गई पूछताछ के लिए। हाँ जी काकी, वो पुलिस ने तो अपना काम कर दिया, अब हमें अपना काम करना है। और दसो सर जी की करना है? तुझे भीख मांगनी है। भीख? वो भी शनि मंदिर के सामने। ओ सर जी की कह रहे हो? अंधा 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 ए बाबा, ए भाई अंधा, ए देना अंधा, ए भाई देना अंधा, देना भगवान के नाम पे देना अंधा, बाबूजी अंधा, देना अंधा, देना अंधा। ये डॉन देखनी है यार, ए बाबा भाई साहब, टाइम क्या हुआ है भाई? 7:30 बजे हैं। वो भी तो 7 भी नहीं बजे। अरे अरे, इसको दिखता भी है? अरे भैया एक और नकली भिखारी। अरे भैया मार मार इसको। अरे एक और नकली भिखारी, एक और। ओ सर जी, ओ सर जी बचा लो, काका मर गया। सर जी, सर जी। ओ सर जी, आगे बढ़ो बाबा। ओ सर जी,
अरे गाना छुट्टे नहीं, आगे बढ़ो। ओए ओए काके, ओए काके, ये क्या हाल बना रखा है काके? सब आपके कारण हुआ। हाँ मेरे कारण? ड्रिंक मंगवाने का आईडिया आपका ही था ना? अरे उन्हें पता लग गया मैं नकली भिखारी हूँ। ऐसी बात है? ओए कुलविंदर कौर कहंदी सी सर मुंडाते ही। ओले बड़े। चलो अंदर घुस जा, नहीं तो हम लोग आ जाएंगे। चल 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 घुस जा घुस जा घुस जा। मारो मारो मारो, पकड़ के खा ले मारो। क्या बात है भाई साहब? अरे आज एक और नकली भिखारी आया था हमारे इलाके में। एक और? मतलब पहले भी आया था? अरे पिछले हफ्ते भी एक नकली भिखारी आया था। अच्छा? वो डॉक्टर का जूता चुरा रहा था। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश किया मगर वो भाग गया। इस बात से नाराज होकर वो डॉक्टर फिर कभी हमारे इलाके में नहीं आया। अच्छा तुम वो डॉक्टर को पहचान लोगे? हाँ क्यों नहीं। अरे वो दान बहुत देता था साहब। अच्छा इशा देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। लेकिन चलने में तो अभी भी तकलीफ है डॉक्टर। देखो तुम्हारी पाँव में छोटी सी चोट लगी है, लोग तो नकली पैर के सहारे सब कुछ कर रहे हैं, बस मन में हिम्मत और विश्वास होने चाहिए। एक्सक्यूज मी। हेलो मिस्टर गेरोला। भाई मैंने सुना है कि ईशा का एक्सीडेंट हो गया है, कैसी तबीयत है उसकी? हाँ बिल्कुल सही सलामत है, अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रही। थैंक गॉड, चलो इस बार तो वो बच गई, लेकिन अगली बार बी अ लिटिल केयरफुल। ओके थैंक्स फॉर योर कंसर्न। वैसे तुम्हें क्या लगता है ये किसका काम हो सकता है? किसी का भी हो सकता है। कहीं ये काम डॉक्टर कृष्णन का तो नहीं? तुम्हारी और दुनिया की नजर में अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए उसी ने ऐसा करवाया हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि अटैक किसी ऐसे आदमी ने कराया हो जो नहीं चाहता कि मैं केस जीतूं। मतलब जिसने भी ये मुझ पर अटैक करवाया है वो कोर्ट में ऑलरेडी मौजूद था, क्योंकि अटैक से पहले जो धमकी मुझे मिली थी उसमें वो आदमी कह रहा था कि मैं कोर्ट में बहुत बोलती हूँ। इसका मतलब कि वो वहाँ मौजूद था। कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता ना कि ये अटैक मैंने करवाया है? नहीं मिस्टर गेरोला, मुझे पता है कि आप अभी तक इतने हताश नहीं हुए कि मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये सब करवाते फिरे। हेलो चला क्या हुआ? कुछ नहीं, परसों कोर्ट में मिलते हैं। एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर योर कंसर्न। क्या हुआ मैम? मैम कुछ नहीं, तुम कार में बैठो, मैं डॉक्टर खान से मिल के आती हूँ। पर अपना ख्याल रखना। अरे फते जी कैसे हैं आप? कैसे हैं अब? हम ठीक है। अरे अनीशा जी, अशी जी, बाबा जी ने आपकी बहन कैसे हैं? बिल्कुल ठीक फते जी। ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी। बैठिए आप। कैसे आना हुआ? उजला जी बड़ी चंगी खबर लाई, वो ये कि हमें कातिल का हुलिया पता चल गया है। कैसे? वैसे कि काके को मैंने नकली भिखारी बनाकर मंदिर में भेज दिया और फिर असली भिखारियों ने इनकी बहुत जमकर धुलाई। मैंने कैसे तैसे उन्हें बचा लिया और फिर असली भिखारियों को मैंने पूछा, नकली भिखारी को पहचान? अरे क्यों नहीं पहचानेंगे, कैसा था वो? यानी कि जूता उसी ने चुराया जिसने डॉक्टर कृष्णन को फंसाया और असली कातिल भी वही है। आप सही कह रही हैं मैडम। योर ऑनर सारी बात बिल्कुल सामने आ चुकी है, डॉक्टर कृष्णन एक निहायत लालची किस्म के इंसान है। उन्होंने मिसेस सुनीता कृष्णन के साथ प्यार की वजह से नहीं बल्कि उनकी दौलत की वजह से शादी की थी। और इतना ही नहीं, महेश आचार्य और जतिन गोयल के साथ पैसों की लेन देन की वजह से कुछ बोलचाल हुई थी और इसी वजह से उन्होंने जहर का इंजेक्शन देकर उनकी हत्या कर दी।
ये झूठ है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। डॉक्टर कृष्णन, अगर आप अपने ऊपर लगे इल्जाम को हटाना चाहते हैं तो आपको अदालत में सच बोलना होगा। कैसा सच? आप मुझे ये बताइए कि आपके और मिस्टर आचार्य के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था। अगर मैं सच भी कहूंगा तो कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा और शायद मुझे जेल भी हो जाए। देखिए, अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो आपको फांसी होगी और अगर यहाँ से छूटते भी हैं तो भी उस कातिल से नहीं बच पाएंगे जो इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है। जी हाँ, ये कातिल इस वक्त इसी अदालत में मौजूद है। योर ऑनर, सच तो ये है कि मनोहर आचार्य ज्यादा पैसा कमाने के लिए इंश्योरेंस एजेंट जतिन गोयल के साथ मिलकर लोगों को इंश्योरेंस का पैसा दिलवाने में उनकी मदद करता था और बदले में उनसे कमीशन लिया करता था, मगर धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता चला गया। वो अच्छे भले लोगों के शरीर में धोखे से जहर का इंजेक्शन दे देते थे और फिर वो बेचारा मजबूरी में अपने शरीर का एक हिस्सा कटवाता था। उधर वो बेचारा अपने शरीर का हिस्सा खोता था और इधर ये मनोहर आचार्य और जतिन गोयल उसके जरिए एक मोटा हिस्सा पाते थे। कुछ ऑपरेशन तो उन्होंने मेरे हॉस्पिटल में भी करवाए थे और मैं तो समझ ही नहीं पाया था कि अनजाने में मैं इनकी साजिश का हिस्सा बन रहा हूं। कहानी अच्छी है डॉक्टर कृष्णन, लेकिन इसका सीधे तौर पर इस केस से कोई संबंध नहीं है। वो इसलिए मिस्टर गैरोला क्योंकि इसमें बीच की एक कड़ी अभी भी मिसिंग है। तो फिर आप ही बता दीजिए कि वो कड़ी क्या है। वो कड़ी है कातिल, और कातिल तक पहुंचना हो तो कत्ल की वजह जानना बहुत जरूरी होता है। आपके अपनी पत्नी के साथ संबंध कैसे थे डॉक्टर कृष्णन? सच कहूं तो अच्छे नहीं थे। पिछले कुछ दिनों से मैं उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, इसलिए वो शायद नेग्लेक्टेड फील कर रही थी। आप अपनी पत्नी को वक्त नहीं दे पा रहे थे और इसका फायदा कोई और उठा रहा था। वो आपकी पत्नी को बहकाना चाहता था। उसने सोचा था कि अगर आपकी पत्नी उसकी तरफ आ गई तो ये हॉस्पिटल उसका हो जाएगा। आपके अरेस्ट होने के बाद वो सीधे आपके घर गया आपकी पत्नी को बहकाने के लिए, लेकिन आपकी पत्नी ने उसे डांट डपट कर भगा दिया। इससे पहले कि वो भाग पाता वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। राइट डॉक्टर अधिकारी? राइट डॉक्टर अधिकारी? मगर कातिल ये भी नहीं है। पैसे कमाने के लिए डॉक्टर अधिकारी इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेते। दो दो कत्ल करके डॉक्टर कृष्ण को उसमें फंसाने के बजाय उनके लिए डॉक्टर कृष्ण का कत्ल करना ज्यादा आसान था। एक और शख्स मौकाए वारदात पर हॉस्पिटल में मौजूद था और वो डॉक्टर कृष्ण को ज्यादा पसंद भी नहीं करता था क्योंकि डॉक्टर कृष्णन ने उसे हॉस्पिटल की दवाइयां चुराते हुए पकड़ लिया था। तुम्हारे पास मौका था कत्ल करने के लिए, लेकिन कातिल तुम भी नहीं हो बाबूराव। तो फिर कातिल कौन है? बल्लू पांडे। जी हाँ योर ऑनर, असली कातिल है बल्लू पांडे। पुलिस को गीली जमीन पर जो पैरों के निशान मिले हैं वो सब एक जगह से दबे हुए हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चलते वक्त शरीर का भार एक तरफ ज्यादा था और इसकी वजह ये हो सकती है कि वो आदमी लंगड़ा कर चलता हो। ऐसा मुझे तब अंदाजा लगा जब मैं ईशा को हॉस्पिटल से बाहर ला रही थी। और ये सब झूठ है, ये सब झूठ है जज साहब। देखिए आप, मैं कैसे एक बैसाखी के सहारे किसी का कत्ल कर सकता हूँ? क्या तुम सचमुच बैसाखियों के सहारे चलते हो? ये बात उधर देखकर बोल सकते हो बल्लू? ये वही डॉक्टर खान है जिनकी देखरेख में आपने नकली पैर लगाकर चलना शुरू किया था और आप इतने एक्सपर्ट हो चुके थे कि आप कुछ भी कर सकते थे। मंकी कैप पहनकर कार चला सकते थे, पाइप के सहारे चढ़कर डॉक्टर कृष्णन के घर से वायरलेस लैंडलाइन चुरा सकते थे। उसी फोन से आपने मुझे धमकियां भी दी थी। ये केस छोड़ दे वरना मैं ये केस किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने वाली। फिर तुझे दुनिया छोड़नी पड़ेगी।
फिर मंदिर में नकली भिखारी बनकर आपने जूते चुराए और उन जूतों को पहनकर दो लोगों की हत्या की। डॉक्टर कृष्ण, क्या ये सही है कि बल्लू का ऑपरेशन भी आप ही ने किया था? जी हाँ, इसे प्रणव राजा और जतिन गोयल मेरे पास लेकर आए थे। क्या करता मैं? क्या करता जस्सा? मैंने तो अपनी कटी टांग के सहारे जैसे तैसे जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया था जस्सा। एक दिन मैंने मेरे मेरी मासूम से बच्ची को उसकी माँ से बात करते सुना जस्सा। पापा, अब आपकी बारी, अब पापा खेलेंगे। पापा आउट। वाह छुटकी बेटा, तुम तो बहुत चलाक होगी, पापा की बारी भी खुद ही खेल रही हो। मम्मी, मुझे उनकी बहुत याद आती है, जिस तरह हम दोनों लंगड़ी खेलते थे, लेकिन अब मैं उन्हें नहीं कह सकती क्योंकि उनकी टांग, अगर मैं कहूंगी तो उन्हें बहुत दुख होगा। उस दिन मैं खूब फूट फूट के रोया जस्सा। मेरी बेटी मुझे सुपरमैन से ज्यादा स्ट्रांग समझा करती थी और मैं उसकी नजरों में लाचार इंसान बन गया था। मैं जीना नहीं चाहता था जस्सा, मैं मर जाना चाहता था, मैं खुदकुशी करने चला गया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को समझाया जस्सा। मैं डॉक्टर खान से मिला, मैंने नकली पैर के सहारे सब कुछ करना सीखा जस्सा। मैं अकेले में सब कुछ किया करता था, मैं अपनी बेटी को सरप्राइज देना चाहता था जस्सा। मैं उसे फिर से सुपरमैन बना के दिखाना चाहता था जस्सा, लेकिन ये सरप्राइज मैं इससे पहले अपने भगवान आचार्य साहब को देने उनके घर चला गया। भाई आचार्य, तुमको तो यार मैं गुरु मानता हूं। लोगों के हाथ पैर कटवा के तुम अपनी जेबें भरते हो और उसके बाद भी लोग तुम्हें देवता मानते हैं। और अपना वो बल्लू पांडे है ना, उसने तो अपने घर में भगवान की फोटो के साथ साथ तुम्हारी फोटो भी लगा रखी है। मैंने जिन्हें भगवान समझा था वो शैतान निकले जस्सा। जस्सा, मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था कि मैं अपनी इस नकली टांग से चलने की बात किसी को नहीं बताऊंगा। इसी के जरिए मैं अपना बदला लूंगा जस्सा। मैं उन दोनों को मारकर डॉक्टर कृष्णन को फंसाना चाहता था। बल्लू, जिस तरह उन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, उसी तरह वो लोग डॉक्टर कृष्णन को भी धोखे में रखकर वहां ऑपरेशन करा रहे थे। जब इस बात का पता डॉक्टर कृष्ण को लगा तो वो अपना आपा को बैठे और उन्होंने उन लोगों को जान से मारने की धमकी दे डाली। लेकिन वो धमकी सिर्फ कोरी धमकी थी मिस्टर गैरोला। योर ऑनर, अब आपसे मेरी अपील है कि मेरे क्लाइंट डॉक्टर कृष्णन को बाइज्जत बरी कर दिया जाए और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि बल्लू के केस पर सहानुभूति से विचार किया जाए। दैट्स ऑल। मेरा बेटा। पापा। मेरा बच्चा। देखा,
आपके पापा आज भी सुपरमैन है। हाँ पापा, आप आज भी सुपरमैन है। बेटा मैं जल्दी वापस आऊंगा और आपके साथ वो लंगड़ी जरूर खेलूंगा।